जी, हमने लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर नंबर 1 यानी के मुफरदात सीख लिए हैं। मुफरदात के मखारिज भी सीख लिए प्रीवियस क्लासेस में, यानी के हुर्फ अदा होने की जगह को मखारिज ये सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी स्टार्टेड विद द रूल्स। सबसे पहले हमने शेप्स देखे हुर्फों के, अलिफ बा ता जीम दाल आइन फा कैफ लाम मीम नून हा हमजा और या। इनके जो शेप्स होंगे कुरान मजीद में जो शेप्स से आएंगे ये हमने देख लिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड देन हमने ये इम्तिहान पढ़ा और इनके मखरज देखे इंडिविजुअली, इनके मखरज का मश्क किया अल्हम्दुलिल्लाह और इनके शेप्स देखे इंशाल्लाह। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर न्यू लेसन। हमारा नया लेसन है जो है हरकात इंशाल्लाह। सबसे पहले देखते हैं कि हरकात क्या है। हरकात का मानी होता है हरकत। ऑब्वियसली इन द वर्ड यू कैन गेट टू नो कि हरकात का मानी है हरकत होना यानी कि आवाज। हरकात तीन टाइप्स के होंगे यानी कि थ्री हरकत तीन हैं जो हैं फतहा कसरा दम्मा। आपको ये मालूम होगा कि जबर जेर पेश, इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन होगी जबर जेर पेश। ये तीन साइंस को हरकात कहा जाता है। ये साइंस की भी आइडेंटिफिकेशन होगी। इसे जबर जेर पेश को अरबी में फतहा कसरा और दम्मा कहा जाता है। सबसे पहले फतहा देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। एज यू कैन सी हुरूफ के ऊपर लिखा जाता है फतहा को, इस तरह से स्लैंट लाइन होगी फतहा, यानी कि इसे जबर कहा जाता है। तो सबसे पहले हरकात को किस तरह पढ़ते हैं यानी कि द होल फतहा हो दम्मा हो या कसरा हो, तीनों को किस तरह से पढ़ा जाता है। जिस तरह से हमने मुफरदात में इनके मखरज सीखे थे यहाँ पर रूल्स होंगे। मखरज हमने सीख लिए हैं तो यहाँ पर तजवीद के रूल्स सीखेंगे विच इज टुडेज लेसन हरकात। हरकात के रूल्स सीखेंगे। हरकात पढ़ने का तरीका क्या है, हरकात को किस तरह से पढ़ते हैं। हरकात को जल्दी अदा किया जाता है। जल्दी यानी कि झटका देने बगैर, झटका ना देंगे और ना ही उसे खींचेंगे। वेरी क्विकली अदा होगा हरकात यानी कि फतहा दम्मा कसरा यानी कि जबर जेर पेश, इनको जल्दी से अदा करेंगे यानी कि फास्ट क्विकली अदा करेंगे। लेकिन इसमें ये ना हो कि झटका हो, एज इन इस तरह से झटका ना हो, और ये भी मेक श्योर कि इसे खींचा ना जाए क्योंकि हरकात को जल्दी पढ़ा जाता है। आई रिपीट अगेन, हरकात के आज का लेसन है तख्ती नंबर 3 यानी कि हरकात। हरकात के 3 टाइप्स हैं विच इज फतहा कसरा दम्मा, जो उर्दू में कहा जाता है जबर जेर और पेश। इनको किस तरह पढ़ा जाता है, सिंपली ये एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से अदा करें। इट्स नथिंग बट के इन फतहा कसरा दम्मा जब हुर्फ पर आ जाए यानी कि जो मुफरदात के हुर्फ हैं अलिफ बा ता अलिफ से लेकर या तक जो भी हुर्फ हैं इनके ऊपर या तो फतहा दम्मा कसरा तीन हरका में से कोई हरकत आ जाए तो इसे जल्दी इन हुर्फों को जल्दी अदा करेंगे झटके के बगैर, खींचने के बगैर। झटका यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमजा है, हमजा अगेन वन मोर पॉइंट ये है कि जब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि अलिफ हमेशा खाली होता है यानी कि अलिफ के ऊपर या नीचे कोई हरकत आती नहीं है यानी कि फतहा दम्मा कसरा कोई साइन नहीं आती। जब अलिफ के ऊपर कोई साइन आ जाती है, अब जैसे कि यहाँ पर फतहा आया हुआ है यानी कि जबर है, तो वो जो अलिफ होगा वो हमजा बन जाता है। आई रिपीट अगेन, अलिफ है हमेशा खाली, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा यानी कि जबर जेर पेश फतहा दम्मा कसरा कोई भी साइन नहीं आएगी, इसके ऊपर जजम हो या तशदीद हो कोई साइन नहीं आएगी। जब अलिफ के ऊपर अगर कोई साइन आ जाए
तो वो हमजा बन जाती है। सो फॉर नाउ अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अलिफ का स्टेट हमजा है, ये अलिफ नहीं है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अलिफ नहीं है बल्कि ये हमजा है। वाई? बिकॉज इसके ऊपर यहाँ पर फतहा आई हुई है, यानी कि जबर आई हुई है। तो आज के रूल्स में फर्स्ट रूल है, हमने हरकात का सीखा है। हरकात किसे कहते हैं? फतहा, दम्मा, कसरा, यानी कि जबर, जेर और पेश। ये साइंस को, यानी कि जबर एज यू कैन सी हियर, जेर हुरूफ के नीचे आती है और पेश हुरूफ के ऊपर गोल जैसी होती है। सो फतहा, दम्मा, कसरा, यानी कि जबर, जेर, पेश को हरकात कहा जाता है। हरकात को जल्दी अदा किया जाता है, यानी कि खींचना नहीं चाहिए, जल्दी क्विकली इसको पढ़ेंगे। अभी एक बार मश्क कर लेते हैं, रिपीट आफ्टर मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ब, त, फ, ज, ح, خ, د, ظ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ه, أ, ي, ي. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिस तरह से हमने मुफरदात में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब उसका प्रोनाउंसिएशन का हुर्फ, टू हुर्फों का प्रोनाउंसिएशन हो जाए, जैसे कि बा, ता, सा, इसे थोड़ा खींच रहे थे, यानी कि टू काउंट्स खींच रहे थे, दो अलिफ, ब, त, इस तरह से खींच रहे थे। लेकिन वो सिर्फ होगा जब उसके ऊपर कोई साइन नहीं हो, तो जिस तरह हमने मुफरदात में पढ़ा था, कोई साइन नहीं थी उसके ऊपर तो उसे खींचा जा रहा था। जब इन हुर्फों के ऊपर साइन, विच इज स्पेसिफिकली हरकात, यानी के जबर, जेर, पेश, फतहा, दम्मा, कसरा आ जाए तो इनको जल्दी अदा करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अलिफ हमेशा खाली होता है, यानी कि अलिफ के ऊपर या नीचे कोई साइन नहीं आएगी, यानी जबर, जेर, पेश, फतहा, दम्मा, कसरा, तजदीद, जज्म कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ अलिफ होगा। लेकिन जब अलिफ के ऊपर कोई साइन आ जाए तो वो अलिफ हमजा बन जाता है, उसको हमजा कहेंगे। अभी अगर आपको मैं पूछूं कि ये अलिफ है या हमजा है, तो इन दिस स्टेट यू आर सपोज टू से ये हमजा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर फतहा आई हुई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये नथिंग बट ये बहुत ईजी है, यानी कि यह हरकात का लेसन बहुत इजी है। जस्ट रिमेम्बर दैट हरकात को हमेशा जल्दी पढ़ा जाता है, हरकात को जल्दी पढ़ेंगे झटके के बगैर, और खींचना नहीं है, हरकात को खींचेंगे नहीं, जल्दी अदा करेंगे जिस तरह से हमने पढ़ा है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द मश्क, आप एक बार गौर से मेरे साथ पढ़ें, सो दैट यू नो हाउ टू रीड विदाउट झटका देने के बगैर, किस तरह पढ़ें और खींचने बगैर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ब, त, फ, ज, ह, ख, द, व, र, ज, स, श, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ه, أ, ي, ي. फतहा की आवाज, यानी कि जबर की आवाज ऊपर को जाती है। अब जिस तरह से इस तरह से अपवर्ड्स जा रही है आवाज,
ये फतहा की आइडेंटिफिकेशन है. जब आवाज ऊपर को जाती है यानी कि अपवर्ड्स जाती है तो ये फतहा है, यानी कि फतहा की आवाज अपवर्ड्स जाती है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मश्क. मेरे साथ पढ़िए, रिपीट करें आफ्टर मी. दरस 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 वदा 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 عبد 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 كسب 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 دخل 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 بلغ 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 وجد 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 سجد سجد سجد. अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ लेट अस सी, यहाँ पर हर एक हुर्फ पर फतहा आकर है, यानी कि क्योंकि फतहा का यानी जबर का मश्क है, जबर का ये एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पर हर हुर्फ पर यानी कि दाल रोसा यहाँ पर तीनों पर फतहा आया है ना. अभी ये दाल रोसा तीनों को भी जल्दी अदा करेंगे. जिस हुर्फ के ऊपर हरकत आए यानी कि फतहा तम्मा कसरा आए उस हुर्फ को मुतहर्रिक कहा जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर दाल है, दाल के ऊपर यहाँ पर फतहा आया है, तो आप कहेंगे कि ये दाल मुतहर्रिक है, यानी कि इसके ऊपर हरकत आया है. एंड देन रॉस सीन, ये तीनों भी इनके ऊपर फतहा है यानी जबर है, तो ये तीन भी मुतहर्रिक है. नॉट ओनली जबर, सिर्फ जबर आने से मुतहर्रिक नहीं, बल्कि तीन यानी जबर जेर पेश फतहा दम्मा कसरा तीनों भी आ जाए तो उसे मुतहर्रिक, उस हुर्फ को मुतहर्रिक कहा जाता है. आई रिपीट अगेन, जिस हुर्फ पर फतहा दम्मा कसरा तीनों में से कोई भी आ जाए तो वो हुर्फ को मुतहर्रिक कहा जाता है. सो यहाँ पर हमने सीखा है, इन दिस स्लाइड हमने सीखा फतहा यानी के जबर. मेन पॉइंट, जबर की आवाज यानी के फतहा की आवाज अपवर्ड जाएगी यानी के ऊपर की तरफ होगी, और हरकत में से है यानी फतहा यानी जबर हरकत में से है तो इसे जल्दी अदा करेंगे यानी के क्विकली पढ़ेंगे, झटका ना देंगे, जर्क ना हो उसमें आवाज में, झटके के बगैर इंशाल्लाह अदा करेंगे. वन मोर पॉइंट इन दिस होल तख्ती के, ये अलिफ है, जो अलिफ के ऊपर अगर फतहा दम्मा कसरा या कोई साइन आ जाए तो वो जो अलिफ है वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो हमजा बन जाएगा, क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई साइन नहीं आएगी, वो अलिफ नहीं रहेगा. नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट कसरा. अभी देखते हैं कसरा यानी के जेर. कसरा यानी जेर भी हरकत में से है, इसे भी जल्दी अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं, बिल्कुल ना खींचेंगे, झटके के बगैर यानी कि जर्क के बगैर इस तरह ई बी इस तरह नहीं करेंगे, ई बी इस तरह से नरमी से कसरा को भी अदा करेंगे. कसरा यानी जेर की आवाज नीचे को जाती है, डाउनवर्ड्स जाती है. अभी देखते हैं इसका मश्क, रिपीट आफ्टर मी. ई बी ती फी जी ही खी दी वी री जी सी शी शी दी ती वी री गी फी की की ली मी
नी वी ही ई यी यी। तो ये कसरा में पॉइंट से कसरा यानी जेर की आवाज नीचे यानी डाउनवर्ड्स जाएगी, कसरा यानी जेर हरकत में से है, तो इसे जल्दी अदा करेंगे। हरकत आप जब भी हुरूफ यानी जब भी ये वर्ड हरकत सुने तो आपके माइंड में जल्दी पढ़ना आ जाना चाहिए, यानी कि इसे जल्दी अदा करेंगे, इंस्टेंटली आपको पता चल जाए कि हरकत जब भी हरकत है वहां पर जल्दी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कसरा की आवाज यानी कि जेर की आवाज डाउनवर्ड्स जाएगी, नीचे जाएगी। अभी यहाँ पर मश्क देखते हैं, रिपीट आफ्टर मी। इबीली इबीली इबीली। रदीफा रदीफा रदीफा। हमीदा حميده حميده. شهيده شهيده شهيده. بخيله بخيله بخيله. سخيره سخيره سخيرة. رحيمة رحيمة رحيمة. لعيبة لعيبة لعيبة. One more thing. अभी हमने फतहा का पढ़ा यानी कि जबर का पढ़ा। जबर की आवाज इज नथिंग बट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बा है ना, रोमन में अगर आप लिखें तो बी ए इसका आवाज आएगी, बी ए ब इस तरह से आवाज आएगी, टी ए ता। अब इसी तरह जेर की आवाज आई की होगी यानी कि ई बी। अभी फॉर एग्जाम्पल आप बी एंड आई मिलाएंगे तो बी इस तरह से, बी टी सी इस तरह से आवाज आएगी इंग्लिश में। सो अभी यहाँ पर मैंने कहा था कि जो हर्फ के ऊपर फतहा दमा कसरा यानी कि हरकत में से कोई भी हरकत आ जाए तो उस हर्फ को मुतहर्रिक कहा जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रदीफा इस हर्फ में देखते हैं, रॉ के ऊपर यहाँ पर जबर आई हुई है यानी कि फतहा, तो इसे जल्दी अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं, और ये रॉ जो है मुतहर्रिक है यानी कि इसके ऊपर हरकत है तो इसलिए ये मुतहर्रिक है। नाउ दाल है यहाँ पर, दाल के नीचे कसरा है यानी कि जेर है, तो इसे भी जल्दी अदा करेंगे क्योंकि हरकत में से है, जल्दी पढ़ेंगे खींचेंगे नहीं, और ये मुतहर्रिक, दाल मुतहर्रिक है। फा पर फतहा है यानी जबर आया है, तो इसे जल्दी अदा करेंगे खींचेंगे नहीं, और फा मुतहर्रिक है। Now let us move on with the last harkat, जो है दम्मा। अभी देखते हैं दम्मा। दम्मा यानी पेश, पेश को भी जल्दी अदा करेंगे, दम्मा यानी पेश को जल्दी अदा करेंगे खींचेंगे नहीं, और इसके झटके के बगैर, झटके और खींचने के बगैर इसको अदा करेंगे। पेश की आवाज यानी के दम्मा की आवाज सामने को जाती है यानी के फॉरवर्ड जाती है, उ इस तरह से फॉरवर्ड जाती है। तो अभी इसका मश्क कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिपीट करें। उ बु तु फु जु हु खु दु वु रु zu su shu su bu tu vu ru gu fu u gu lu mu nu wu hu u यू
यू. अनदर थिंग, आप मेक श्योर कि हमने जो प्रीवियसली मखरज सीखे हैं, यानी कि आवाज किस तरह हम निकाले इंडिविजुअल हर्फ को, इसी तरह इनकी आवाज निकाले कि आप मखरज वाजे हो जाए. तो मेक श्योर के, अब जैसे कि बा है यहाँ पर, होठों को आपको प्रेस करके बू इस तरह से अदा करना है. तो इंडिविजुअली जो भी हर्फ है उनके मखरज के साथ इनको अदा करें. ये दम्मा का था. दम्मा यानी के पेश, पेश को जल्दी अदा करेंगे क्योंकि हरकत में से खींचेंगे नहीं, झटका देना नहीं है, इसे जल्दी अदा करेंगे. और पेश यानी दम्मा की आवाज सामने जाती है, यानी कि फॉरवर्ड जाती है. नाउ लेट अस सी दम्मा, रिपीट करें. रुसुलु, रुसुलु, रुसुलु. सुदुसु, सुदुसु, सुदुसु. فقيدة، فقيدة، فقيدة. قتيلة، قتيلة، قتيلة. نكيسة، نكيسة، نكيسة. كرومة، كرومة، كرومة. علمة، علمة، علمة. هدية، هدية، هدية. الحمد لله. Now let us revise. हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है? आज हमने हरकात पढ़े हैं, यानी के फतहा, कसरा, दम्मा, जिनको उर्दू में जबर ज़ेर पेश कहा जाता है. हरकात तीन है, जो है फतहा, दम्मा, कसरा, जबर ज़ेर पेश. फतहा, दम्मा, कसरा यानी हरकात को जल्दी पढ़ा जाता है, यानी के खींचेंगे नहीं, जल्दी अदा करेंगे झटके के बगैर. जबर की आवाज ऊपर यानी कि अपवर्ड्स जाती है, और पेश जेर की आवाज नीचे यानी कि डाउनवर्ड्स जाती है, और पेश की आवाज आगे यानी कि फॉरवर्ड जाती है. ये थ्री सीखे हैं. अब इसका एक मश्क है फुल्ली, जो आपने आज सीखा है जबर जेर पेश का, यानी फतहा, दमा, कसरा का. ये देखते हैं, रिपीट करें. शरीबा, شريبة، شريبة. عميلة، عميلة، عميلة. بريقة، بريقة، بريقة. خطيفة، خطيفة، خطيفة. جزيعة، جزيعة، جزيعة. سقيمة، سقيمة، سقيمة. غشية، غشية، غشية. نسية، نسية، نسية. قديرة، قديرة، قديرة. نصيرة، نصيرة، نصيرة. صحف، صحف، صحف.
वुसिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कुदिरा, कुदिरा यानी काफ के ऊपर यहाँ पर दम्मा है यानी पेश है, तो इसे जल्दी अदा करेंगे क्योंकि हरकात में से है, खींचेंगे नहीं, और पेश की आवाज यानी दम्मा की आवाज फॉरवर्ड यानी सामने जाती है। ये काफ मुतहर्रिक है। दाल के नीचे यहाँ पर जेर है यानी कि कसरा है, इसे भी जल्दी अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं, और दाल मुतहर्रिक है और जेर की आवाज नीचे को जाती है यानी कि डाउनवर्ड्स जाती है। रॉ, रॉ के ऊपर यहाँ पर फतहा है यानी जबर है, तो इसे जल्दी अदा करेंगे क्योंकि हरकात में से है, जबर की आवाज यानी फतहा की आवाज ऊपर जाती है यानी कि अपवर्ड्स जाती है, और जो रॉ है यहाँ पर मुतहर्रिक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें हर्फ को, यहाँ पर जैसा शरीबा है, आमिला है, ऑल द वर्ड्स देखें कि किसके ऊपर कौन सी साइन है, और ये जल्दी पढ़ेंगे, इसके खींचेंगे नहीं, और जो हर्फ है वो मुतहर्रिक है। आज के क्लास में जो मेन पॉइंट आपको याद रखनी है, तो ऑब्वियसली आज के लेसन में से जो है तख्ती, जो है फतहा दमा कसरा, इनके बारे में यानी इनको जल्दी अदा करेंगे। वन थिंग, हरकात वर्ड जब आप सुनते हो तो आपको इंस्टेंटली आपके माइंड में जल्दी पढ़ना याद आ जाना चाहिए। एंड देन फतहा कसरा दम्मा सीखा यानी जबर जेर पेश, इनको किस तरह पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं, जल्दी अदा करेंगे। जबर की आवाज ऊपर, जेर की आवाज नीचे, और पेश की आवाज आगे को जाती है। जिस हर्फ पर हरकात हो यानी के फतहा दम्मा कसरा हो तो उस हर्फ को मुतहर्रिक कहा जाता है। वन मोर पॉइंट, जब अलिफ पर कोई साइन आ जाए, अलिफ हमेशा खाली होता है यानी कि अलिफ पर कोई साइन नहीं होती, लेकिन जब अलिफ के ऊपर या नीचे कोई साइन आ जाए तो वो अलिफ हमजा बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, टुडेज क्लास आज हमने तख्ती नंबर 3 हरकात सीखी है। We are done with today's lesson. Dua par lete hain. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udhu bika اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।